और ये देखो, ये आ चुका है द फेमस लास वेगास साइन। नुकसान होता है जब आप थोड़ी सस्ती कंपनी से गाड़ी रेंट करते हो ना, सस्ती का सोच के यहाँ से गाड़ी बुक तो करा ली थी, बट हम सी रोड क्रॉस कर रहे हैं यार। यहाँ पे वो देख, हमारे पीछे एक बंदा है, वो भी ऐसी क्रॉस कर रहा है। फाइनली हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए आज की। हाँ जी, आस पास का माहौल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई हम कहाँ पहुँच चुके हैं। हम पहुँच चुके हैं द गैम्बलिंग सिटी ऑफ यूएसए, यानी कि लास वेगास। So what's up guys, welcome back to our channel. के अब हम वेगास कैसे पहुंचे वो तो आपने पिछले व्लॉग में देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो भैया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर लेना। फिलहाल हमारा प्लान आज वेगास घूमने का है नहीं, हम जाने वाले हैं एक नई अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन पे। Yes, तो यहाँ से गाड़ी उठाएंगे एंड गाड़ी उठा के हम निकल पड़ेंगे उस डेस्टिनेशन पे, बट वो डेस्टिनेशन होनी क्या वाली है वो तो आपको ब्लॉग में ही पता चल जाएगा। फिलहाल अभी चलते हैं और जल्दी से भाई गाड़ी उठाते हैं। एंड तानिया भाई घर से खाना बना के लाई हुई थी, तो वो हमने निपटा लिया है, तो हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का जुगाड़ हो रखा है। थोड़ा बहुत ही करा, क्योंकि ऐसा ना नींद आपकी पूरी नहीं होती है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी तो कम खाया गया, बट कोई नहीं, बैकअप अपने पास पूरा है। तो यार अभी जिस कंपनी से हमने गाड़ी बुक कराई है ना, उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ था कि वो फ्री शटल प्रोवाइड करते हैं एयरपोर्ट से उनकी लोकेशन तक, तो वही हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से मिलेगी उनकी शटल। एंड एरोज अलग अलग लगा रखे हैं भाई, एक जगह पे लगा रखा राइट साइड का, एक जगह लगा रखा लेफ्ट साइड, हम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। बट फाइनली हमें ये दिखा तो है कि रेंटल कार शटल यहाँ से शायद मिल सकती है, तो देखते हैं। तो वही यहाँ पे बोर्ड तो दिख गया है, बोर्ड में ना सारे कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, बट जिस कंपनी से हमने बुक कराई है ना, जो कि एडवांटेज है, उसका नाम नहीं लिखा हुआ है। तो आगे जाके पूछते हैं बस वाले से क्या वो हमें छोड़ेगा वहाँ पे या नहीं। वाह, जाती है ओ, बट लिखा हुआ नहीं है इन्होंने ऊपर। हाँ बट जाती है, सही है। तो भाई इस शटल का ना मुझे इतना ही समझ आया है अभी तक कि अगर आपने जो भी मेंशन रेंटल कंपनीज है ना उनसे अगर रेंट किया गाड़ी, तो आप ये फ्री शटल में बैठ के एयरपोर्ट से इस लोकेशन तक आ सकते हो जहाँ से आपको गाड़ी उठानी होगी। और अगर आपने रेंट नहीं करी है ना गाड़ी, और फिर भी आप इस शटल पे चढ़ जाते हो, तो ये आपको उतार भी सकते हो, पता है। हाँ लिखा हुआ था, बट कितना स्ट्रिक्टली, हाँ वही ना, कितना स्ट्रिक्टली ये फॉलो करते हैं वो नहीं पता। ओ भाई ये आ गया, पूरा शोरूम टाइप में आ गए हम यहाँ से। देख लो कौन सी कंपनी से तुम्हें रेंट करनी है गाड़ी, बट हम ऑलरेडी बुक करके आए हैं, तो वो कहाँ है। जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज है ना वो तो सारी अंदर थी, हर्ट्ज वगैरह जितनी बड़ी बड़ी हैं 60, बट जिस पे हमें जाना है ना, जो कि एडवांटेज, वो यहाँ से थोड़ी सी आगे है। तो ये कह रहे हैं कि ना यहाँ पे एक शटल आएगी इस टाइप की, उसमें हमें बैठ के जाना पड़ेगा। वैसे तो हम चल के भी जा सकते हैं, 4 मिनट की दूरी पर है, बट मुझे कोई यहाँ से वे नहीं दिख रहा। खाली जाना हो तो हम चले जाते, रास्ता वही ना, फुटपाथ भी नहीं है, ऊपर से बैग भी है, तो इसीलिए सोच रहे हैं वेट ही कर लेते थोड़ा सा। A few moments later. इधर इधर। तो भाई हम पैदल ही निकल लिए क्योंकि काफी वेट कर लिया, और इनकी शटल आएंगी रही भाई एडवांटेज वालों की, बाकी सबकी आ रही है, बस इसी बट इसी की नहीं आ रही। यही नुकसान होता है जब आप थोड़ी सस्ती कंपनी से गाड़ी रेंट करते हो ना, गाड़ी तो आपको सस्ते दाम में मिल जाती है, बट फिर ये आपको थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ती है। और बिल्कुल बगल में है भाई, रोड क्रॉस, ये हाईवे है ना, तो क्रॉस नहीं कर सकते। राइट, तो मतलब जो कंपनी है ना वो वहाँ पे कहीं पे है, एंड यहाँ पे कहीं देख रहे हो क्रॉसिंग नहीं है, तो हमें थोड़ा इलीगली क्रॉस करनी पड़ेगी, मतलब थोड़े रूल्स तोड़ने पड़ेंगे आज। क्या कहते तानिया, और कोई ऑप्शन नहीं है। आ जा
आप ऐसी रोड क्रॉस कर रहे हैं यार यहाँ पे, वो देखो हमारे पीछे एक बंदा है वो भी ऐसी क्रॉस कर रहा है। अरे यार हमने अभी यहाँ पे खड़े खड़े टाइम वेस्ट किया, हम चल ही देते। हाँ यार थोड़ा देसी वाला दिमाग लगाते ना तो पहुँच जाते। हमने किसी को देख लिया कि वो क्रॉस कर रहे हैं, पीछे पीछे आ गए। सही है चलो। ये लो भाई 5 मिनट नहीं चले होंगे हम और ये आ गई रेंटल कंपनी जहाँ से हमने बुक कराई अपनी गाड़ी। आ जाओ। हाँ जी इससे तो नहीं कर रहे हम अगली बारी बुक भाई, मतलब किसी ने सही कहा है, किसी ने सही कहा है भाई, जितना पैसा बचाओगे उतना आपके जेब से जाएगा। तो हमने सस्ती का सोच के यहाँ से गाड़ी बुक तो करा ली थी, बट हमें $60 एक्स्ट्रा पे करने पड़ गए क्योंकि जो गाड़ी हमने बुक कराई थी ना जो कि थी कॉम्पैक्ट वन, वो इनके पास है ही नहीं। मतलब एक बंदा 1:30 बजे से वेट कर रहा है उसकी और अभी 3 बज रहे हैं, अब जाके मिली है तो सोच हमें इतना वेट करना पड़ता तो इसलिए रूक निशान रूक ये रही सामने है, ये रही वाइट कलर की। तो भाई इसलिए फिर उसने बोला आप अपग्रेड ले लो, अपग्रेड में भी बोलती है कि हम आपको डिस्काउंट दे देंगे क्योंकि आपकी पहले से रिजर्वेशन थी और आप वेट कर रहे थे वगैरह वगैरह, तो उसने $12 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया पर डे के। डिस्काउंट क्या, उसको खुद से अपग्रेड करना चाहिए था बिना पैसे दिए। यहाँ पे ये सब होता ना तो उसी की चक्कर तो उसी के चलते मुझे $60 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। बट हाँ ये ना इंश्योरेंस भी बेचते हैं अपना, तो वो थोड़ा सा मैंने वहाँ पे चालाकी दिखा दी। हाँ, तो क्योंकि क्रेडिट कार्ड मेरा चेज का है तो वो इंश्योरेंस कवर कर लेता है एंड हाँ, मेरे पास खुद गायको का इंश्योरेंस है तो वो लाइबिलिटी कवर कर लेगा। क्रेडिट कार्ड करता है थोड़ा बहुत कवर, तो वो इंश्योरेंस इनसे लेना नहीं पड़ेगा, नहीं तो एक्स्ट्रा $60-$70 और पे करने पड़ते। हाँ जी फिलहाल ये है हमारी गाड़ी, बाहर से देखने में तो भाई सही लग रही है, अब अंदर से देखते हैं कि क्या सीन है इसका। हमने कॉम्पैक्ट बुक कराई थी, SUV मिल गई। हाँ जी पड़ी में जाएगी। ये बंद कहाँ से होगा भाई, मैनुअल नहीं, मैनुअल तो नहीं होना चाहिए तो। हाँ ये ना बटन नहीं है तो फिर ऐसे ही होगा। ओ अच्छा चलो ठीक है, एक बार अच्छे से इसकी वीडियो बना लो गाड़ी की, क्योंकि भाई इनका कोई भरोसा नहीं है कल को जब हम मैं कह रहा हूँ इनका कोई भरोसा कोई भरोसा नहीं है कल को भाई इनको गाड़ी रिटर्न करिए और कोई स्क्रैच जो कि हमने नहीं मारा था ये बोल देंगे कि तुम मार के लायो, तो इसलिए पहले अच्छे से। एक स्मोकिंग वाला भी हिसाब होता है, नहीं करोगे ना तो भी ये लोग चार्ज करते हैं उसका। हवा बहुत तेज चल रही है भाई यहाँ पे। हाँ तो हमारी गाड़ी अंदर से कुछ फाइनली बैठ गए गाड़ी में आके, 1 बजे की हमने यहाँ से पिकअप शेड्यूल कर रखा था, चलो पहुंचे हम 2 बजे करीब कुछ, वो भी यहाँ की शटल नहीं आई वगैरह वगैरह, बट अब 3 बजे जाके हमें गाड़ी मिली है और हम सोच रहे थे इतने में तो आधे रास्ते में होंगे। हाँ कोई नहीं चलो चलते हैं आप फाइनली जिस जगह पे हमें जाना है और आपको भी बताते हैं कि कौन सी जगह है वो और ऐसी क्या खास बात है उसकी। और ये देखो ये आ चुका है द फेमस लास वेगास साइन, सो ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं और सिर्फ इस साइन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। हाँ बट हम आएंगे साइन पे, पिछली बार जब हम पिछली बार आए थे पर हम रात को आए थे एक बार ही, हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, आते कैसे, बट इस बार गाड़ी है तो अभी तो टाटा बाय बाय बोल रहे हैं बट आएंगे हम कुछ दिनों बाद देखते हैं। फाइनली भाई 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद अब जाके हमने अपना पहला ब्रेक लिया है, एंड पता है इतनी बड़ी ड्राइव में मैं कभी टेस्ला चला के इतना नहीं थका जितना ये गाड़ी चला के थक गया हूँ। गाड़ी में कोई ख़राबी नहीं है, गाड़ी अच्छी चल रही है, बट पंगा ये है कि टेस्ला की काफ़ी आदत हो गई है, उसमें क्या है कि भैया बैठते ही आप ऑटो पायलट कर दो, डालो गाड़ी अपने आप चलेगी भाई, स्टीयरिंग वगैरह सब अपने आप करेगी, एंड जिस रास्ते से हम आए हैं ना
एकदम स्ट्रेट रास्ता था वो, पूरा हाईवे वाला रास्ता, कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दूर दूर तक गाड़ियाँ भी नहीं दिखेंगी। तो थोड़ा सा इस चक्कर में मैं थक गया, तो इसलिए ना थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है मुझे जब भी मैं टेस्ला के अलावा कोई और गाड़ी चलाता हूँ। कहा था कि मेरे को भी चलाना सिखा दो या मेरे को भी प्रैक्टिस करवा दो। तेरे को करा रहे हैं, पता है हमारे, तो हमारे ना एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया है, हाँ, आया है कि भाई तानिया दीदी को आप, तो देखो ओनली रीजन की भाई तानिया इसलिए नहीं चला रही है, मतलब मैंने कोई रोका नहीं है भाई, बट तानिया इसलिए नहीं चला रही है क्योंकि अभी प्रैक्टिस उसकी पूरी हुई नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है ना, अकेले अकेले हाईवे पे भी और अकेले ले जाने का भी गाड़ी का ना वो भी डर निकला नहीं है का। तो यही प्लान है कि अभी समर्स आ रही है ना, तो समर्स में दिन बड़े होंगे ना, तो काफी टाइम होगा हमारे पास, तो पूरी तान्या की हाँ तैयारी पूरी प्रैक्टिस वगैरह कराई जाएगी, फिर तान्या चलाएगी भाई गाड़ी। अभी यार मेरी ऐसी ऐसी हो रही है टेस्ला के अलावा, मतलब ये वाली गाड़ी चलाने में, नॉन टेस्ला गाड़ी चलाने में एकदम खत्म हो जाती है, अंडर एस्टिमेट ठीक है मैं कर भी रहा हूँ अभी, बट तू मुझे रॉन्ग प्रूफ करियो किसी दिन। बिल्कुल बिल्कुल, चलो अभी चले। और आपने देखा ही होगा बीच में भाई ये मस्त कैसे सो रही थी, है एकदम ऐसे तुमने रिकॉर्ड किया था? और क्या, मैं देख रहा हूँ मस्त ऐसे सोई पड़ी है भाई, मेरे आंखों में ऐसे से बता, मेरे आंखों में ऐसे नींद आ रही है, मैं ऐसे कर गाड़ी चला रहा हूँ। अरे नहीं अरे मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, मेरी आंखें जल रही थी क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी ना, तो मैंने कहा यार 15 मिनट का नैप ले लेते हैं तो थोड़ा सा ना बेटर फील होगा, और ऐसा अजीब सा लगता है अगर नींद पूरी नहीं होती ना, वैसा सा लग रहा था मेरे को। वो तो है, फिलहाल यार अभी रुके हैं, हमने जो स्टॉप लिया है ना वो फ्रेश फ्रेश होने के लिए लिया है, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, पानी वगैरह ले लेते हैं क्योंकि ना हमारे पास पानी की कमी है, जितना भी हमने पानी भरा था ना एयरपोर्ट से वो बहुत ही ख़राब पानी था भाई, एक दो घूट पी थी उसके बाद से फिर मैंने तो पिया ही नहीं, ताने ने फिर भी थोड़ा बहुत पी लिया, एंड देन भूख भी दोबारा से लगनी स्टार्ट हो गई क्योंकि शाम के 4 बज गए एंड हमने तो ब्रेकफास्ट भी ढंग से नहीं किया आज, तो इस वजह से थोड़ा बहुत खाना पीना कर लेंगे। तो ये आ गया था रास्ते में गैस स्टेशन कोई, तो मैंने यहीं पर मोड़ के गाड़ी रोक ली है, देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने का मिलता है। तो चलो वैसे शॉप्स तो काफी दिख रही है ना, दो तीन हैं, हाँ मतलब यार इतनी भी दिख रही है बहुत है, और ये सुपरमार्केट भी है देख, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा खाने पीने का। ओ भाई ये तो सही में पूरी सुपरमार्केट है यार, यहाँ पे तो सब मिल रहा है भाई, चश्मे कपड़े वपड़े सब मिल रहे हैं, मैंने तो गलती से यहाँ पे रोक ली थी, है ना, देख रही है क्या सही जगह पे रोकी है मैंने गाड़ी, सही जगह पे रोकी है। तो यहाँ पे एक बोतल तो 1.89 डॉलर्स की पड़ रही है, एंड अब हमें पानी तो लेना ही पड़ेगा, तो हम सोच रहे हैं पैकेट खा लेते हैं। चलो जी भाई फ्रेश फ्रेश भी हो गए, सामान भी ले लिया, तो पानी की बोतल ले ली, कोक की बोतल ले ली, एंड और एक बियर की बोतल ले ली, बियर की बोतल ले ली, बिस्की की बोतल ले ली, सब ले लिया है, हाँ। दही भी मिल गई थी वो भी ले लिया। और इस गैस स्टेशन का नाम है फ्लाइंग गैस स्टेशन, तो मैंने अभी पढ़ा ना थोड़ा सा गूगल पे इसके बारे में, तो ये जो ट्रक चलाते हैं ना लोग उनमें काफ़ी फेमस है, मतलब यहाँ पे उनके लिए काफ़ी सुविधा इन्होंने दे रखी है, जैसे ट्रक का पार्किंग वगैरह कर सकते हो, शावर वगैरह ले सकते हो, देन खाना पीना तो आपको मिल ही रहा है, तो इसीलिए शायद हाँ तो इसीलिए ना यहाँ पे ज़्यादा दुकानें हमें दिख गई। चलो सही है, हाईवे पे आपको कुछ भी मिल जाए वो ही बढ़िया है। यस अब करते हैं भाई अपनी ट्रिप कंटिन्यू, ठीक है, फिर हाँ पहले खा लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई साहब मजा आ गया, घर का खाना भाई घर का खाना ही होता है, अगर ये पता है मैंने इतना सारा बनाया था, मुझे लग रहा था जब मैंने बनाया था कि इतना सारा है बहुत सारा हो गया, पर ये देख रहे हो इतना बड़ा डब्बा सिर्फ इतना सा ही बचा है इसमें से। ट्रैवलिंग में पता नहीं चलता ना तुम कितना खा लेते हो, देखो हमने लंच भी ढंग से नहीं किया, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो इसीलिए खाया जा रहा है, वो भी बात है, कुछ खाया नहीं है तो जो But मिल रहा है वही अच्छी बात है भाई, तान्या ने ये बना लिया था, नहीं तो अभी हम पिज्जा बर्गर सैंडविच यही सब कुछ खा रहे होते, वो भी टेस्टलेस, इसमें मसाले तो डाले हुए हैं, हो जाता है थोड़ा तो टेस्ट, हाँ तुम्हारा तो चिकन में हो जाता है ना टेस्ट, इसीलिए टेस्ट तो हो जाता है, मैं क्या खाती मेरे लिए यहाँ क्या मिलता वो तुम सिर्फ चीज और पिज्जा, कम से कम एक दिन के लिए तो ये खा लिया, कल से वही फिर खाना है। और भाई ये देखो जिस लोकेशन पे हमें जाना है ना वो यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर है, और टाइम अभी हो रहा है 5:42, तो अगर आप 5:42 में 1.5 घंटा जोड़ोगे तो कितना आएगा मैडम? 1.5 घंटा कितना हो जाएगा, अराउंड 7-7:15 तक, हाँ मतलब 7:15 कुछ ऐसा हो जाएगा, बट ये हमें दिखा रहा है हम पहुंचेंगे 8:09 पे, ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइम जोन डिफरेंट है, पता है
हाँ अबे यार ये यूएसए में मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा भी दूर निकलो टाइम जोन ही डिफरेंट हो जाता है भाई। दिक्कत हो रही है। अरे मम्मी आज बता रही थी कि मतलब उन्होंने देखा होगा रशिया में 11 टाइम जोन है। अच्छा, क्योंकि रशिया और भी बड़ा है। ओ तो ये अभी हम जिस टाइम जोन में है वो है PDT और ये कह रहा है हम पहुंच जाएंगे MDT वाले टाइम जोन में। तो मुझे तो लग रहा है जाते ही हमारा डिनर का टाइम हो जाएगा वहां पे। डेढ़ घंटे में डिनर का टाइम हो रहा है हमारा। पहाड़ों पे अच्छा सा लग रहा है यार। मेरा मन कर रहा है बीच पे रोक के फोटो खिंचवा लो मस्त रोड पे बैठ के, और ऊपर से गाड़ी चढ़ के चली जाएगी। नहीं ऐसा नहीं। है ना मस्त बीच में से कितना अच्छा सीनिक व्यू है। रास्ता क्या मस्त बना रखा है पूरा। अभी कितना सुंदर लग रहा है ना ये जंगल। हाँ रात में आओगे ना भाई क्योंकि लाइटिंग नहीं है देख बिल्कुल भी रोड। हाँ यहाँ पर देख रहे हो स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ये जो येलो साइंस है ना साइड में बस यही है यहाँ पर। और रात को डरावना हो जाता होगा ये एरिया। हाँ हाँ वो तो है, रोकने की काफी जगह बनाते हैं। पर ये देख रहे हो यहाँ पर पहाड़ों में भी इतने चौड़े चौड़े रास्ते बना देते हैं ये विद पूरा साइड में ये जो प्रोटेक्शन है पूरी अच्छे से है ना। और ये देखो भाई टाइम जोन हो चुका है चेंज, पर मेरे फोन में ना अभी भी 6:30 दिखा रहा है और वीर के फोन में 7:30 हो चुके हैं क्योंकि वीर का फोन जो है नेट से कनेक्टेड है। पता नहीं मेरे में क्यों, नेट तो मेरे में भी है बट फिर स्टिल 6:30 ही दिखा रहा है अभी। 1 घंटा आगे हो गया मतलब यहाँ पे टाइम। हाँ 1 घंटा आगे हो गया मतलब हमारा 1 घंटा गायब हो गया। बताओ ऐवे फ्री फंड में ही गायब हो गया। चलो जी फाइनली हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं आज की, जो कि है ज़ियोन नेशनल पार्क जो कि है यूटा स्टेट में। एंड तो ज़ियोन नेशनल पार्क तो हम ऑब्वियसली कल ही विजिट करेंगे, अब तो रात हो गई है। वैसे तो हमारा प्लान यही था कि आज जल्दी अगर पहुंच जाते तो थोड़ा सा विजिट कर लेते बट क्या करें भाई नहीं पहुँच पाए, बहुत कोशिशें करी हमने। प्लस यहाँ पर टाइम जोन का भी तो डिफरेंस हो गया। हाँ वो हमें यहाँ आके पता चला। हम सिर्फ टाइम देख रहे थे कि इतना टाइम लगेगा 2 घंटे और हम ऐड करके चल रहे थे अपनी टाइम जोन पे। यहाँ आके थोड़ा सा गड़बड़ी होगी। फिलहाल अभी चलते हैं होटल वगैरह में चेक इन कराते हैं एंड देन खाने पीने का भी जुगाड़ करना है हमें, क्योंकि देख रहे हो कितनी शांति है आस पास यहाँ पे भाई। तो मुझे लग रहा है दुकानें वकानें बंद ना हो गई वो है। नहीं वैसे तो हमने एक आधी तो देखी थी ना, कुछ तो हाँ, कुछ खुला हुआ था। एंड बाय द वे व्यू ना काफी शानदार है जो कि हम आपको सुबह दिखाएंगे। हाँ, चल अरे सीधा टेस्ला होने की वजह से गाड़ी बंद करना ही भूल जाता हूँ क्योंकि वो अपने आप लॉक हो जाती है। भाई ये होटल है या फिर कोई कॉलोनी टाइप बसा रखी है ऐसा लग रहा है ना। कौन सा है अपना? 2222 इतना बड़ा तो ये होटल है, रूम ढूंढने में ही परेशानी हो रही है कि कौन से ब्लॉक में हमारा रूम है। एंड पता है यहाँ पे ना हॉट टब भी है जो कि 10 बजे तक खुला रहेगा। अभी तो 8:30 बज रहा है बट अभी हम डिनर विनर करने जाएंगे तो 9:30 तो हो ही जाएगा अराउंड, तो हॉट टब हम यूज़ नहीं कर पाएंगे और हम यहाँ पे सिर्फ एक ही रात के लिए है। राइट हाँ, हाँ. एक ही रात के लिए है। ओ, ये हमें ऊपर वाला मिला है। तो भाई हमने तो बैग रख दिए एंड फटाफट निकल लिए क्योंकि ना 9 बजे से है? अच्छा 9 बजे से ना यहाँ पे अधिकतर जो रेस्टोरेंट है वो बंद होने वाले हैं एंड 8:30 बज चुका है तो आधा घंटा बचा है अभी। वैसे तो भूख नहीं है हमें बिल्कुल भी बट फिर भी ना थोड़ा बहुत खाना पैक करा के रख लेते हैं। तो हाउस वो है स्टेक हाउस है। स्टेक हाउस है तो एक वो था ना कौन सा था मीम्स कैफे करके कुछ था वो देख लेते हैं। तो खाना पैक करके रख लेते हैं सो लेट अगर 10-11 बजे भूख लगेगी तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो खाने को होना चाहिए।
चलो भैया खाना भी पैक हो गया हमारा, दो बर्गर ले लिया हमने, एंड अच्छी चीज ये थी कि इनके पास वेजी पैटी भी थी, पैटी भी थी। तो ताने का भी काम हो गया, ताने को भी मस्त वेजी बर्गर मिल गया। हाँ। नहीं तो फिर घास फूस खाती है। हाँ यार, नहीं तो इसके पास दूसरा ऑप्शन था मेरे पास। हाँ। कि वेजिटेबल सैंडविच खाओ जिसमें कोई टिक्की विक्की कुछ नहीं होती है इनके में। सिर्फ ब्रेड मिलेगी और इधर सब्जियां मिलेंगी, सॉटे करके, और वो खाते रहो। बाय द वे ऊपर का आसमान देख रहे हो यार, यहाँ पे कितने ज्यादा तारे हैं यार, और कितने क्लियरली विजिबल भी हैं, है ना। हाँ। कितने सारे तारे हैं यार, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, बाहर खाट वाट लगा के सोने में क्या मजा आएगा भाई। हाँ, और उसके बाद जो तुम्हारी कुल्फी जमेगी। बट यहाँ पे होती होंगी ऐसी एक्टिविटीज, कंडीशन ये है कि वो हीटेड वाली होनी चाहिए नीचे। फाइनली भाई पहुंच गए होटल रूम पे, एंड बस यार किसी के साथ करते हैं अब इस ब्लॉग की समाप्ति। होटल का रूम का टूर आपको देंगे सुबह सुबह। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना, क्योंकि हम एक बहुत ही खूबसूरत सा नेशनल पार्क विजिट करने वाले हैं। हाँ। चलो तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।